नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो नया अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वाटर बिहेव्स इनसाइड ए बबल ऑफ एयर, मतलब पानी के अंदर हवा का एक बुलबुल्ला किस तरह बर्ताव करता है। तो इसका हो जाएगा ए कनकेव लेंस, मतलब एक अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट ऑफ एंटायर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स द सेम क्वांटिटी, मतलब इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व, या इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स विच आर फाउंड दे आर कॉल्ड, मतलब ऐसे तत्व तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटालॉइड, या कह सकते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो ये थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट स्पीड ऑफ साउंड, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये होती है इन स्टील, मतलब इस्पात में, लोहे में, सॉरी इस्पात में होती है। अगला है मून इज द बॉम्ब एक्सप्लोजन द साउंड ऑन अर्थ, मतलब चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विल नॉट हियर, सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर नो एटमॉस्फियर ऑन द मून, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग। अगला है द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम शुड बी इंक्रीज्ड टू 4% देन द पीरियड, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, विल इंक्रीज 2%, मतलब 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए गर्ल इज स्विमिंग हैमॉक एन अदर गर्ल केम टू हिम सिट देन स्विंग द पीरियड, मतलब एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बी गुंडी रोटेटिंग रेडियो लिसन टू द प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट स्टेशन, इट इज़ इम्पॉसिबल, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।